एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रीसेंट वीडियो पे एक टॉप कमेंट था, मेक बार्बी इंस्पायर्ड आउटफिट्स एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। वैसे भी यार बचपन में बार्बी डॉल के साथ इतना ज्यादा खेला है एंड अब बड़े होके बार्बी की तरह ड्रेसअप होने का चांस मिलने वाला है लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो मैंने तुम सबसे पूछा था कि तुम कौन सी क्रेजी सिचुएशन में बार्बी को ड्रेसअप होते हुए देखना चाहते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आज मैं ड्रेसअप होंगी इस वीडियो में। एंड तुम हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर देते हो यार, हमेशा की तरह मुझे इस बार भी बहुत ही क्रेजी एंड वियर्ड सिचुएशंस मिली है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट सिचुएशन जो मेरे पास आई है वो है एज अ पॉपुलर गर्ल इन हर कॉलेज। आई एम श्योर बार्बी तो पॉपुलर होगी ही कॉलेज में, बट देखते हैं कि सोनिया हो पाएगी या नहीं। मौसम के हालात बदल चुके हैं, सुंदर बादल आ गए एकदम से, धूप सारी चली गई है, बट एनीवेज आई एम थिंकिंग ये बटरफ्लाई फ्लेयर पैंट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वो पॉपुलर है तो शी मस्ट बी अ सोशल बटरफ्लाई ऑफ हर ग्रुप और मे बी एंटायर कॉलेज, आई डोंट नो। एंड टू मेक इट लाइक पूरा बार्बी इंस्पायर्ड, मैंने सोचा कि मैं पिंक ऑन पिंक करती हूँ। मैंने खुद कभी ऐसे कॉलेज में कपड़े नहीं पहने यार, ऐसा लग रहा है कि सारी आंखें तो मेरे पे ही होने वाली है। वी कैन वेयर आवर पिंक हील्स, कैरी अ पिंक बैग और मे बी पिंक सनग्लासेस, पिंक नोटबुक, पिंक पेन, पिंक वाटर बॉटल, पिंक एवरीथिंग। वाओ, बार्बी को एक तरफ साइड रखते हैं। ये वैसे भी आउटफिट कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा कि इस टॉप को इस पैंट के साथ स्टाइल करके देखते हो कितना मस्त निकल कर आया है। ऐसा लग रहा है कि आउटिंग वगैरह या फिर बर्थडे के लिए भी कितना प्रिटी अप्रोप्रिएट सा आउटफिट है, काफी कंफर्टेबल है, नॉन रिवीलिंग भी है एंड इट्स लुकिंग सो स्टाइलिश, मतलब 10/10। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है बार्बी को जब रिश्ता वाला देखने आए तब। अरे बार्बी का कॉलेज तक खत्म नहीं हुआ और तुम रिश्ते दिखा रहे हो उसको, बट ठीक है कोई बात नहीं, शी इज रेडी। बार्बी को जब साड़ी पहननी ना आती हो बट वो पहनेगी, अभी बनी नहीं, ये देख लो अभी बनी नहीं है, प्लीट कर रहा। हाँ सही है, काम चोर। देखो मेरे पास ब्लाउज नहीं है तो मैंने एक व्हाइट कैमी टॉप ही पहन लिया, ज्वेलरी मेरी रेडी है। वैसे मैं रेडी तो हो गई हूँ बट रेडी होने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैंने क्यों इतना अपने आप को रेडी किया है, मैं तो रिश्तों को मना करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ऑल्सो ये साड़ी कितनी प्रिटी लग रही है यार, इतना प्यारा सीक्वेंस वर्क है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता छोड़ो मैं तो इसे किसी पार्टी में पहन के भी जाना चाहूंगी। इट्स लुकिंग सो नाइस एंड गॉर्जियस एंड सेक्सी। वाओ, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सिचुएशन जो मेरे पास आई है वो है पूल डेट। ओह माय गॉड, तुम बार्बी को हर जगह लेके जा रहे हो, कोई सिचुएशन नहीं छोड़ रहे हो। आई एम थिंकिंग दिस लुक, तो बेसिकली इट्स लाइक अ हॉट पिंक बिकिनी लेकिन ऊपर विद अ कवर जिसमें बहुत ही लंबा स्लिट है। मैंने पिंक सनग्लासेस लिए एंड अ बिग बैग, ये मैंने पता है बहुत पहले सरोजिनी नगर से लिया था, 200 रुपए में सिर्फ। देखा हमारी बार्बी बजट करना भी जानती है। ये वाला लुक क्रिएट करके एक्चुअल में पूरी बार्बी वाली फील्स आ रही है ना, कि पूल नहीं है, बीच साइड के लिए भी काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ तुम ऊपर से भी श्रग वगैरह कैरी कर सकते हो, वैसे भी काफी अच्छा लगेगा। ये पूल पार्टी से बार्बी वापस आ गई है एंड उसके बाद उसे पीटीएम जाना है एज अ मदर, मतलब तुम कोई सिचुएशन और कोई रोल भी नहीं छोड़ रहे हो उसके लिए, बट अगेन शी इज प्रिपेयर्ड। सो आई एम थिंकिंग दिस टॉप विद दीज पैंट्स, तुम्हें लग रहा होगा सोनिया ये बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है, दिस इज नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट फॉर अ पीटीएम मीटिंग। लेकिन हमारी बार्बी पहले पीटीएम मीटिंग पे जाएगी और उसके बाद जाएगी वो अपने ऑफिस, इसीलिए शी इज वेयरिंग दिस वेरी वेरी अतरंगी सा फॉर्मल पैंट सूट एंड ये बिल्कुल ही बार्बी की पर्सनालिटी से जा रहा है। आई नो तुमने मेरी पुरानी वीडियोस में भी बहुत बार देखा होगा बट दिस इज समथिंग आई एम ऑब्सेस्ड विद, ये काफ़ी सारी सिचुएशंस में बहुत अच्छे से जाता है एंड ये मेरी पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। इस पर कुछ कुछ ऐसे आर्ट प्रिंट वगैरह बने हुए हैं, आई नो ये वाइट है बट इस पर थोड़ा मल्टी कलर वाला कुछ ऐसे आर्टिस्टिक से डिज़ाइन बने हुए, तो मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है एंड आई गेस ये बार्बी की पर्सनालिटी से भी काफ़ी मैच करता हुआ जा रहा है। अब लग रहा है ना ये बिल्कुल मस्त मीटिंग करके आऊंगी मैं टीचर से एंड बोलूंगी कि तुम मेरे बच्चों को ट्रीट्स क्यों नहीं देते यार। तो और सिचुएशंस ट्राई करने से पहले, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय ट्रेसमे एंड दे हैव सेंड मी देयर केराटिन स्मूथ सीरम टू ट्राई फॉर यू गाइस। टू बी ऑनेस्ट, फ्रिज इज दैट वन कॉमन थिंग दैट कैन एंटायरली स्पॉइल एनीबॉडीज हेयर गेम, बट यूजिंग दिस इज सुपर सिंपल, सिंपली पंप, अप्लाई एंड वे फ्रिज गुड बाय। इन्फ्यूज्ड विद आर्गन ऑयल दिस सीरम हेल्प्स मी टू कंट्रोल फ्रिज फॉर एज लॉन्ग एज 2 days स्ट्रेट पोस्ट हेयर वॉश, मोर ओवर इट मेक्स माई हेयर सुपर स्मूथ soft and manageable. What I also love the most is the fact that it is super lightweight and non-sticky in texture which helps absorb the product more quickly and it does not weigh my hair down at all unlike other serums. I also wanted to know more about this product on the website and found that it acts like a primer for your hair. Isn't that crazy? Primer for hair can basically help coat your hair strands which provides protection to your hair strands from heat styling tools and avoids damage. What a multi-purpose product man, at this price it is a steal deal you guys. All I have to do is pump, apply and wave frizz goodbye. You have to get your hands on this range. I'm putting all the links in the description box down below, so do check it out. पीटीएम टीचर मीटिंग हो गई है, अब वो अपना चिल करेगी एंड नाउ शी इज गोइंग फॉर अ स्लीप ओवर। ये मेरा फेवरेट यार, ये फरी फरी सा टॉप इतना ज्यादा सॉफ्ट है, परफेक्ट एक
स्लीप ओवर के लिए नीचे मैं सोच रही हूँ ये सैटिन शॉर्ट. वाओ लिटरली मैं रेडी हूँ. एक सेकेंड, एक मैसी बन के बिना ये तो फनी हो गया. ओके अब खोल ही लेते हैं. मुझे लगा था मैसी बन बहुत ही से स्लीप ओवर टाइप वाली वाइब देगा, बट ठीक है हम इसी से काम चलाएंगे. ए मैं हूँ तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया. मैं कंफर्टेबल हो गई वीडियो बनाते बनाते भाई साहब मज़े ही आ गए. मैं सोने जाती हूँ. बट मूविंग ऑन, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास फॉर हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बारबी को रेडी होना. यार ये तो थोड़ा ट्रिकी सा हो गया, उसे अच्छा दिखना पड़ेगा, बट वो तो अच्छी दिखती है यार पूरे टाइम. सो लॉट ऑफ पीपल विल बी कमिंग, तो मेरे को लग रहा है ऐसे प्यारी शियर मैक्सी स्कर्ट अच्छी लगेगी. ये तो अच्छी लग रही है, ये है इतनी सुंदर बट कुछ ज्यादा सिंपल सा नहीं हो गया. ओके वेट ये किस काम आएंगे, ये पॉम पॉम नहीं है, ये है यार हंसना मत मेरे ऊपर, बट ये एक्चुअली मैं ऐसे फेक स्लीव्स है, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं कंफर्टेबल भी रहूंगी भाई. हाँ यार अब फील आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं फ्लावर्स के बीच में हूँ. एकदम से लुक बदल गई, वरना कितना बेसिक सा लग रहा था. एंड मैं हूँ तैयार. ओवरऑल मेरे को ये वाला आउटफिट बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है. ऐसे शीयर फैब्रिक्स का मिक्सचर, ऐसे टेक्सचर्स आ रहे हैं ना पूरे लुक में. आई जस्ट लव दैट सो मच. अच्छा यार घर में मैं हाउस पार्टी वार्मिंग सब कर लेंगे, तुम बस आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट हम बाबी को घुमाने लेके जा रहे हैं एडवेंचर पार्क में, एंड लेट हो रही है, जल्दी से उसे ड्रेसअप होना है वहां के लिए. सो आई एम थिंकिंग दिस स्कर्ट तुम्हें लग रहा होगा अरे एडवेंचर पार्क में स्कर्ट क्यों, लेकिन इसके अंदर है शॉर्ट. सो बारबी इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल द एंटायर डे. ऊपर मैं सोचू थोड़ा सा ऐसे फ्लोरल एलिमेंट डालते हैं क्योंकि वो थोड़ा मेरे पर्सनल स्टाइल से भी मैच करता है, तो मैं ये सोचू टॉप अच्छा लगेगा. लेट्स सी, आई हैव नो क्लू. अरे भैया वाओ ये एक्चुअली में अच्छा लग रहा है. आई वाज अ बिट स्केप्टिकल बट इट टर्न्ड आउट सो क्यूट. ओह माय गॉड, मैं सोच रही हूँ स्पोर्ट्स शूज बहुत ही कूल लगेंगे, लाइक ऐसे गर्ली एंड चिल कूल कैजुअल वाइब सब मिक्स कर देंगे हम. आई एक्चुअली वुड लव टू वेयर दिस आउटफिट किसी एडवेंचर पार्क में सम डे. ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैजुअल आउटिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आउटफिट है. एंड क्योंकि इसमें शॉर्ट्स है अंदर भाई साहब मैं तो कंफर्टेबल रहने वाली हूँ. ये स्कर्ट मैंने रिसेंटली सरोजनी से पिक की थी एंड आई एम सो ग्लैड मैंने की. ये कैजुअल आउटफिट्स, आउटिंग वाले आउटफिट्स, घर पे सोने वाले आउटफिट हर किसी के साथ चला जाता है. ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ऊपर तो तुम कोई भी टॉप पहन सकते हो. एंड टाडा लुक बन गया है. हमारी बारबी जिम भी जाती है. यस नेक्स्ट सिचुएशन है बारबी गोइंग टू द जिम, एंड अभी चलते हैं यार उसके लिए, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. सो आई एम थिंकिंग ये स्पोर्ट्स ब्रा एंड इसके नीचे ये स्कर्ट. यस इसके अंदर भी शॉर्ट्स है, सो आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल जिम वगैरह करते हुए. ज्यादा रिवीलिंग हो गया, इट्स ओके. हम कवर अप भी कर सकते हैं कोई भी जैकेट या फिर मेरे को तो ऐसे वाली शर्ट बहुत ही ज्यादा सही लगती है. एक तो क्यूट लगती है बहुत ज्यादा. अरे मेरा हाथ ही अटक गया. हाउ इज दिस इवन पॉसिबल. ऑल्सो ये बहुत ही ब्रीदेबल है, बहुत ही पतला सा फैब्रिक है इसमें, सी थ्रू टाइप, बट या इट्स लाइक अ कवर अप. तुम इसे बंद भी कर सकते हो आगे से एंड आई एम रेडी. ये अब जिम आउटफिट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहन के कहीं बाहर जा रही हूँ, बट या दैट्स द वाइब वी आर गोइंग विद. फाइनली हम बारबी को सरोजनी नगर लेकर जा रहे हैं. यार मैं उसके साथ बिल्कुल जाना चाहूंगी, तो आओ रेडी होते हैं. तो मैंने ये बहुत ही प्यारा ऐसे रोज पिंक कलर में टॉप पहना जो कि एक्चुअली रिसाइकल फैब्रिक से बना है. एंड वैसे भी जब भी हम सरोजनी जाते हैं हमेशा यूनिक सिर्फ पीसेस ही फाइंड कर रहे होते, तो आई गेस उसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगा. तो हम कोई कवर अप या जैकेट भी ले सकते हैं. एंड मैंने इसको एक बेसिक वाइट पैंट्स के साथ, हाई वेस्टेड पैंट्स के साथ स्टाइल करा है. एंड आई गेस ये बहुत ज्यादा क्यूट एंड कम्फी लग रहा है. थोड़ा सा इसमें स्पेस है, तो अगर मैं बाहर शॉपिंग कर रही हूँ, खाऊंगी पीऊंगी भी, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगी एंटायर डे. इफ यू डोंट व्हाट आई मीन, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ बिग झोला बैग एंड वाटर बॉटल, क्योंकि सरोजनी नगर में वो चाहिए होता है. आज मैंने अपना शौक और ड्रीम दोनों ही पूरे कर लिए यार, बारबी की तरह ड्रेसअप होकर. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने मेरे को बहुत ही क्रेजी वाली सिचुएशंस भेजी है. एंड आई एम सॉरी टू, क्योंकि अभी बहुत सारी सिचुएशंस रखी हुई है. मे बी हम पार्ट टू बनाए उससे, लेट मी नो अगर तुम चाहते हो या नहीं. एंड मुझे ये भी बताओ कि आज की वीडियो में से तुम्हारा फेवरेट लुक आउटफिट कौन सा था इन द कमेंट्स डाउन बिलो. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.